एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आई वाना कुक। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पुलाव की रेसिपी। ये कोई वेज पुलाव या मसाला पुलाव नहीं है, ये एक सिंपल पुलाव है या इसे आप ड्राई फ्रूट पुलाव भी कह सकते हैं। ये पुलाव कोई भी स्पेशल सब्जी जैसे कि पनीर की सब्जी, चिकन करी, आलू दम, इन सारी सब्जियों के साथ बहुत ही अच्छी जाती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये बैचलर्स के लिए भी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अगर आप इसके साथ कोई सब्ज़ी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे एज इट इज़ भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इस इजी सी रेसिपी को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएँ। पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 ग्लास शॉर्ट ग्रेन बासमती राइस। यहाँ पर मैंने शॉर्ट ग्रेन यूज़ किया है, लेकिन आप लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इस रेसिपी के लिए किसी भी तरह का राइस यूज़ कर सकते हैं। चावलों को आपको अच्छी तरह से धोकर पहले 20 मिनट के लिए सोक करना है। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया और पतीले में मैं डाल दे रही हूँ 1.5 बड़े चम्मच देसी घी। ये पुलाव देसी घी ही में बनता है और घी में इसमें हम कोई कंजूसी नहीं करेंगे। घी यहाँ पर गर्म हो चुका है और इसमें मैं डाल दे रही हूँ 20 से 25 काजू, जिसे मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है। और काजू को हम थोड़ा सा गोल्डन होने तक भूनेंगे और फ्लेम को आपको लो ही रखना है। यहाँ पर काजू हल्के हल्के गोल्डन होना स्टार्ट हो चुके हैं, सो अभी मैं इसमें डाल दे रही हूँ किशमिश। ये 2 बड़े चम्मच के लगभग है। इस पुलाव में किशमिश का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। काजू और किशमिश यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, सो अभी हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने काजू और किशमिश को अलग निकाल लिया और हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो मैं सेम भगोने में थोड़ा सा और घी ऐड करूँगी। 1 बड़े चम्मच के लगभग मैं इसमें और घी डाल रही हूँ। घी यहाँ पे गर्म हो चुका है और फ्लेम को मैंने लो रखा है, सो अभी मैं इसमें डालूँगी कुछ खड़े गर्म मसाले जैसे कि 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 मोटी इलायची, 3 हरी इलायची, 2 इंच के लगभग दालचीनी, 6 से 7 लौंग। इन सभी को हम थोड़ा सा भून लेंगे और इस वक्त हम फ्लेम को लो ही रखेंगे। खड़े मसाले यहाँ पे थोड़े से भून चुके हैं, सो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच जीरा। जीरा को भी हम थोड़ा सा तड़क जाने देंगे। अभी हम घी में ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जैसे कि मैंने पतला पतला स्लाइस किया हुआ है। इस प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पे भूनना है जब तक ये अच्छे गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। फ्लेम को आप हाई मत करिएगा, नहीं तो घी हमारा जल जाएगा, इसे आप मीडियम फ्लेम पे ही भूनें। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज अब हल्के हल्के गुलाबी होना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन हमें इसे अच्छी तरह से गोल्डन होने तक भूनना है। प्याज यहाँ पे 80% तक भून चुका है, सो अभी मैं इसमें डाल दे रही हूँ 2 छोटी चम्मच के लगभग अदरक। यहाँ पर मैंने ऐसा कूटा हुआ अदरक यूज़ किया, लेकिन आप अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी हम थोड़ा सा प्याज के साथ पका लेंगे। यहाँ पर प्याज हमारे अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं और अदरक भी हमारा पक चुका है, सो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे चावलों को। चावल का मैंने पानी निकाल लिया है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी और ऐड कर रही हूँ। इन टोटल हमने 3 बड़े चम्मच घी का यूज़ किया है और थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, लगभग 1.5 छोटी चम्मच नमक। और अभी हम इन चावलों को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे 5-7 मिनट तक भूनेंगे, जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने नमक कम ऐड किया है क्योंकि मैं इसे सब्ज़ी के साथ खाने के लिए बना रही हूँ, लेकिन अगर आप इसे ऐसे ही एज इट इज़ पुलाव खाने के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें प्रॉपर नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर लें।
जब तक यहाँ पे चावल हमारा थोड़ा भुन रहा है, दूसरी तरफ मैंने गैस पे 4 ग्लास पानी गर्म होने के लिए रखा है। ये इसका मेजरमेंट मैंने उसी ग्लास से किया जिससे मैंने चावल का मेजरमेंट किया है। आप ग्लास देख सकते हैं, आपको चावल और पानी का मेजरमेंट एक ही किसी बर्तन से करना है। सो यहाँ पे मुझे पुलाव को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। सो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला और आधी छोटी चम्मच के लगभग काली मिर्च का पाउडर। इन दोनों को भी आप चावलों में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे भी हम डालकर 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। और इसी स्टेज पे जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर चावल अच्छी तरह से भुन चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होकर थोड़ा सा ब्राउनिश हो चुका है और ये हमारे चावल थोड़े से ड्राई भी हो चुके हैं। इससे टोटल भुनने में आपको 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। सो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे पानी और पानी डालकर हम इस पर हाई फ्लेम पे पहले एक बॉयल आने का वेट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने पानी और चावल 2:1 की रेशियो में लिया है जो कि एक जनरल रेशियो है, लेकिन अगर आपके चावल थोड़े कम टाइम में पक जाते हैं तो आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम ले सकते हैं, लेकिन जितनी मैंने पानी की क्वांटिटी ली है उससे आप ज़्यादा यूज़ मत करिएगा। यहाँ पे चावल में बॉईल आ चुका है, अभी हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे ढककर हम 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे या जब तक इसका सारा पानी सूख ना जाए। यहाँ पर 8 मिनट हो चुके हैं और फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। सो अभी हम पुलाव को देख लेंगे। यहाँ पर हमारा पुलाव रेडी लग रहा है, लेकिन हम इसे एक बार चेक भी कर लेते हैं। सो आप इसमें साइड से एक चम्मच डाल के देख लीजिए कि इसमें कोई पानी नहीं बचा है। तो इसमें पुलाव में कोई पानी नहीं है, तो अभी ये पुलाव बिल्कुल रेडी है, लेकिन हम इसे अभी फिर से 10 मिनट के लिए ढक कर ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा पुलाव अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। सो अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर पुलाव को मैं सर्व कर रही हूँ चिकन करी के साथ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में दे दूँगी। और अगर आपको ये पुलाव की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।